ये ऐसी बिरयानी पकाती है कि सारे मलयाली प्लेटां लेके आ जाते हैं। ये हमारी बहन तो लगता है खाने पे हमला कर देती है। एहो जिहा बंदा हुंदा है जिहड़ा महल्ले दे सारे सौदे लेके आंदा है, जिहड़े घर दे सारे भांडे धोंदा है, ते इहदे हालात तुहाडे सामने ही ने। रज रज के खाओ रोटी, भावें होटल हो या ढाबा, हसन लई हो जाओ तैयार, क्यों जाएगा तुहाडा जान बाबा। आज हम लाहौर के बहुत मशहूर पार्क गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हैं और हम लोगों से चिट चैट करेंगे और एक सवाल के जवाब पूछेंगे। वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम उल्टा पढ़ने से वो एक परिंदे का नाम बन जाता है? तो फिर आए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं उनको हमारे सवाल का जवाब आता है कि नहीं। तो फिर आए जानू बाबा के साथ। कहाँ से आई हैं आप? फैसलाबाद से। वाओ, कितनी दूर से आप आई? कहना नहीं, जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमे। चलो शुक्र हो, आपको मुबारक हो, आप जम गए हैं। तो नाजरीन है कुड़ी एह जी जिथे बहंदी उ तीन पाने घा पुट दिता जे। अच्छा ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। क्या कॉलेज में स्टडी कर? जी ऐसा ही। अच्छा ये बताएं वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम लिखा जाता है? मैनू हिसाब लगता वा तुम जो तो पढ़ाई का टाइम होंदा सी ना उदो लंगर से तवज्जो दिंदे सी। एहो जी कुड़ी जिहड़ी है ना जो तो अपना पेड़ा बनाना पवे ना उहदा लाटू जिहा बना के बह जांदी। इस तरह ही है। वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम को उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है? चलिए आपको एक हिंट दे देता हूँ, वो उसके तीन लफ्ज हैं। और ये बताऊं उसका पर भी बहुत प्यारा होता है। मोर। वाओ, ये तो बिल्कुल आपने हिंट बूझ ही लिया। अच्छा अब मुल्क बता दें क्या है। मुल्क का नाम सीधा है। हाँ सीधा। रूम। हाँ, वाओ, ग्रेट। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आपके चेहरे पे ऐसा नूर है जैसे आपने नूरानी हज किया हो। ऐसा मुल्क जिसका नाम उल्टा लिखने से एक बर्ड का नाम बन जाता है। सॉरी। ये हमारी बहन होती हैं जो अपनी डाइट का इतना ख्याल करती हैं कि जब इनके सामने चिकन मटन आए तो कहती हैं नो आई लव ओनली सैलड, क्योंकि ये वॉक करती हैं। वो कौन सा मुल्क है जिसके लफ्जों को जिसके नाम को उल्टा लिखें तो एक परिंदे का नाम बन जाता है? जी आप बताएं। सोचने दे। जी सोच लो दे घंटे वास्ते मैं बह जाने थी। जी क्या जेन में आ रहा है? सोचने पर माइंड में तो आ रहा है लेकिन जुबान पर नहीं चढ़ा। अच्छा ये बताएं आप अच्छी चीज क्या पकाती हैं? अच्छी चीज नहीं, बिरयानी। बिरयानी जी, मटरों वाली, आलूओं वाली, सब्जी वाली, चिकन वाली। बिरयानी का नाम ही चिकन है। अच्छा चिकन वाली। चिकन वाली। अच्छा चिकन, चिकन वाली, माशाल्लाह क्या कहने। ले नादरीन, ये ऐसी बिरयानी पकाती है कि सारे मलयाली प्लेटां लेके आ जाते हैं। हम आपसे कॉमन सेंस का सवाल पूछते हैं, ये बताएं वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम उल्टा लिखने से उल्टा पढ़ने से एक परिंदे का नाम बन जाता है? ये हमारी बहन तो लगता है खाने पे हमला कर देती है, इसकी तो पूरी तवज्जो सिर्फ लंगर पे होती है, अब हम क्या करें? जी बताएं, सोचिए। A few inches later. रोम। रोम। मोर। वाओ, क्या कहने, लगता बचपन में आप बादाम खाती रही हैं। वाओ, बादाम भी निकाल रही हैं। क्या बात है। वाओ, वाओ, नाजरीन देखें बाबा की बात सच्ची हो गई। कौन कहता है ये बचपन में बादाम खाती थी, ये तो इस उम्र में भी बादाम खाती हैं। मैं भी। अच्छा आप क्या करते हैं? मैं गोरुड़ बाजू रेलवे में। जी रेलवे में हूँ। रेलवे में हूँ। लोहे चुकने वाले भी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। अंकल ये कौन है? ये शबनम का आशिक है, शबनम ने इसे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। एहो जिहा बंदा हुंदा है जिहड़ा महल्ले दे सारे सौदे लैके आंदा है, जिहड़े घर दे सारे भांडे धोंदा है, ते इहदे हालात तुहाडे सामने ही ने। की मैं कहा सिर भार तुरदे रहे जे? नहीं, ओ सिर जिहड़ा ना बर्तना दे नाल खड़का खड़का के इंजो। हाय हाय हाय। जी आप ये बताएं कि वो कौन सा मुल्क है
जिसको उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है? रूम। तो रूम से क्या बनता है? रूम से मोर। वाओ माशाल्लाह, अच्छा ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया। ये बताएं कि आपके मियाँ की तीन खूबियाँ बता दें आप। मेरे मियाँ की खूबी ये है कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं माशाल्लाह, और जब मैं मुस्कुराती हूँ बहुत ज़्यादा वो खुश होते हैं माशाल्लाह। क्या पढ़ती हैं आप? BS Fine Arts। BSc Fine Arts जी। आप तो छोटी सी हैं। वैसे छोटी लगती हूँ। Oh my God! वाओ! अच्छा ये बताएं वो कौन सा मुल्क है कि जिसको उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है? मोर। रूम को उल्टा करेंगे तो मोर। वाओ नाज़रीन, इनका जवाब भी दुरुस्त है। अच्छा ये बताएं आपकी सेहत का राज क्या है? काज कुछ भी नहीं, बस हेल्दी खाते हैं। खाते ही नहीं है? हेल्दी खाते हैं। आप? कम खाते हैं। शाबाश, क्या नाम है आपका? अलीना। अगला मीना? अलीना। अलीना, वो कौन सा मुल्क है कि जिसके नाम को उल्टा लिखें तो एक परिंदे का नाम बन जाता है? रोम। वाओ थैंक यू, क्लैपिंग क्लैपिंग। वाओ बड़ी काबिल है आपकी मम्मा। नहीं नहीं, मेरी सिस्टर है। अच्छा सॉरी सॉरी, आपकी बहना है ये। क्या बनना चाहती हैं आप? साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट, यानी कि आप पागलों का इलाज करेंगी। वाओ, और आप क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर। अच्छा ये बताएं वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है? रूम। रूम। रूम, वाओ, तो परिंदा कौन सा है? चमगादड़। मोर। मोर। वाओ ये भी दुरुस्त है। आप भी बता दें कि आप मटर छीलने आई हैं। रूम। रूम, रूम, तो बनता क्या है? मोर। वाओ नाजरीन, इन्होंने ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दिया। तुम्हारा हाफजा कैसा माशाल्लाह? बहुत अच्छा है। और आपका? बहुत अच्छा। आप कराची से आई हैं? नहीं, लाहौर की रहने वाली हूं। आपकी उर्दू इतनी अच्छी है माशाल्लाह। इनकी उर्दू बहुत अच्छी है। यस, उर्दू स्पीकिंग है ना, बोबा लगाते हैं ये। बोबा? ये बोबा क्या होता है? व्हाट इज दिस बोबा? इंग्लिश बोबा। वो कौन सा मुल्क है जिसके लफ्ज को अगर उल्टा करें तो एक परिंदे का नाम बन जाता है? छप्पर। छप्पर? हाँ। नहीं, छप्पर छाताला या छप्पड़। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम उल्टा लिखने से एक परिंदे का नाम बन जाता है? परिंदे का नाम बन जाता है ना, ये छप्पर है ना ये छप्पड़ है। ना ही तपड़ है। अच्छा। ना ही लपड़ है। लो नाजरीन, अज असी गुलशन इकबाल पार्क से मौजूद सा। असी लोगों ने सवाल पूछे कि वो मुल्क का नाँ की है जिदा ना उल्टा लिखिया जाए एक परिंदे का नाँ बनता है? तो मुल्क का नाँ है रोम, तो जेनू उल्टा किया जाए तो बन जाता है मोर। उम्मीद है कि तुहानू साडा प्रोग्राम अच्छा लगे होएगा, तुसी इनू पसंद किया होएगा। तुसी साडे चैनल नू लाइक सबसक्राइब तो शेयर करते रहना। जानू बाबा तुहानू मिलेगा मस्खरियाँ चैनल ते। खैर हो आपकी।